हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। सबसे पहले ये देखिए कि अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है एक चार्ज क्यू के कारण, तो इसके हर पॉइंट पे कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। सपोज मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस पे पोटेंशियल है वी। तो पोटेंशियल का मतलब होता है कि अगर इस पॉइंट पे इन्फिनिटी से वन कूलम चार्ज लेके आते हैं तो हमें वी वर्क करना पड़ेगा, यानी कि यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट तक इन्फिनिटी से लेके आने में जितना वर्क करना पड़ता है वो इस पॉइंट का पोटेंशियल है। तो अगर मुझे चार्ज क्यू नॉट लेके आना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। तो डब्ल्यू क्या है, क्यू नॉट चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में वर्क डन, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल वी है। अब वी का फॉर्मूला हमें पता है, वी इज इक्वल टू होता है के क्यू बाय आर। आर है यहां से यहां तक की दूरी, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में डब्ल्यू क्या हो जाता है, के क्यू बाय आर इंटू क्यू नॉट, ठीक है। ये हमने टू पार्टिकल का सिस्टम बनाया है। अब हमने यहां बात की है सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो जरूरी नहीं है कि दो ही चार्जेस हों, चार्जेस ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि सिस्टम दो चार्जेस का भी होता है और दो से ज्यादा चार्जेस का भी हो सकता है। तो अगर चार्जेस दो से ज्यादा हो तो क्या करें। सबसे पहले जैसे मैं कहीं पे जहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां कोई चार्ज क्यू लेके आता हूं, तो मान लिया ये काम करने में किया हुआ वर्क W1 है, तो W1 जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन वर्क नहीं कर रहा है जिसके अगेंस्ट मुझे इस चार्ज को लाना पड़े। तो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो है और वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना भी किया हो जब फोर्स ही नहीं लग रहा तो वर्क हो जाएगा जीरो। अब मैं यहाँ पे क्यू चार्ज लेके आ चुका हूँ। अब अगर मुझे यहाँ पे अब मान लिया जो हम क्यू नॉट चार्ज को यहां पे लेके आते हैं जैसा कि हमने पढ़ा, उस केस में इसको नाम देता हूं मैं डब्ल्यू टू। तो डब्ल्यू टू हो जाएगा वी इंटू क्यू नॉट और वी इस पॉइंट पे इसके कारण वी होगा के क्यू बाय आर। तो वैल्यू पुट करो के क्यू बाय आर इंटू क्यू नॉट, तो ये बन जाता है के क्यू क्यू नॉट बाय आर। तो ये हो गया डब्ल्यू टू। अब मान लिया इस पॉइंट पे कोई तीसरा चार्ज Q डैश में लेके आना चाहता हूं। अब सपोज ये दूरी R1 लगा लेते हैं और ये दूरी R2 लगा लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि जिस पॉइंट पे हमें चार्ज Q डैश को लेके आना है वहां पे पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल क्या होता है, यूनिट चार्ज को वहां पे लाने में किया हुआ वर्क। अब जो पोटेंशियल है वो इन दोनों के कारण होगा, तो नेट पोटेंशियल यहां पे हो जाएगा V डैश मान लेते हैं इसको और इसको नाम देते हैं V1 V2। V1 है इस वाले चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल, V2 है इस वाले चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल। तो ये चार्ज है Q, डिस्टेंस है R1, प्लस ये चार्ज है Q0, तो K Q0, बाय डिस्टेंस है R2। ओके ये V डैश हो गया, यानी के यहां पे पोटेंशियल। अब यहां पे Q डैश चार्ज लाने में मान लिया W3 वर्क करना पड़ता है, तो W3 हो जाएगा V डैश इंटू Q डैश। V डैश की वैल्यू ये आ गया K Q बाय R1 प्लस K Q नॉट बाय R2 इंटू Q डैश। तो ये हो गया K Q बाय R1 इंटू क्यू डैश प्लस K Q नॉट Q डैश बाय R2। ये जितना ये सिस्टम टू पॉइंट चार्जेस का सिस्टम बनने के बाद जितना वर्क हुआ वो W3 है। तो अगर मैं ये कहूं कि तीन चार्जेस का सिस्टम बनाने में टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क आ जाएगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 जीरो है, W2
के क्यू क्यू नॉट बाय आर प्लस के क्यू क्यू डैश बाय आर वन प्लस के क्यू नॉट क्यू डैश बाय आर टू। तो ये टोटल वर्क होगा। अब जैसे तीन चार्जेस का हमने किया, ऐसे अगर यहां पे कोई चौथा चार्ज में क्यू डबल डैश लेके आना चाहता हूं, तो अब तीन चार्जेस हो गए हैं। इन तीन चार्जेस के कारण पहले यहां पोटेंशियल निकालो, मान लिया वो पोटेंशियल वी डबल डैश आ जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा वर्क होगा डब्ल्यू फोर वो हो जाएगा वी डबल डैश इंटू क्यू डबल डैश। तो जो एक्स्ट्रा वर्क होगा वो डब्ल्यू फोर हो जाएगा, और तब टोटल वर्क में करने के लिए यहां प्लस डब्ल्यू फोर कर देंगे। इसका मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज होंगे, हमारे टर्म्स भी उसी तरह से इंक्रीज होती रहेंगी। तो इस तरह से सिस्टम ऑफ एन चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी बनती है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, और इसके हर कॉर्नर पे इक्वल चार्ज क्यू रखा गया है। तो एक तरह से चार इक्वल चार्जेस का एक सिस्टम हो गया। अब अगर हमें यह कहा जाता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर हमारे पास जनरल फॉर्मूले को देखें तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ये टू पार्टिकल सिस्टम की एनर्जी है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल में दो चार्जेस से ज्यादा हों तो हमारे पास टर्म्स ज्यादा हो जाएंगी। हर दो चार्जेस का पेयर एक सिस्टम बनाएगा टू पार्टिकल का। तो अब इसमें कितने सिस्टम बनेंगे? एक तो टू चार्जेस सिस्टम बनेगा ये वाला, एक बनेगा ये वाला, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ये जो चार सिस्टम बने, इनमें जो चार्जेस की वैल्यू है वो भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो अगर आप एक का कैलकुलेशन कर लें, मान लिया इस सिस्टम की एनर्जी वो हो जाएगी के क्यू क्यू बाय ए, इसकी भी इतनी है, इसकी भी इतनी है, इसकी भी इतनी है, ऐड कर दो यानी कि फोर। लेकिन क्या इतने ही सिस्टम बनेंगे? नहीं, ये डायगोनल वाला भी तो एक सिस्टम है और एक ये डायगोनल वाला सिस्टम है। तो इसका मतलब अब इनमें दूरी कितनी होगी? ये जो डायगोनल है ये ए रूट टू होता है, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल साइड रूट टू होता है। तो इसका आ जाएगा के क्यू क्यू बाय ए रूट टू, और ऐसे कितने सिस्टम हैं? दो हैं, तो मल्टीप्लाई बाय टू। ये आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस फोर पार्टिकल सिस्टम हो जाएगी। तो क्वेश्चंस जो होंगे उसमें जरूरी नहीं है स्क्वायर शेप आए, जरूरी नहीं है सारे चार्ज इक्वल आए, पर मेथड यही रहेगा। रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, पर आपको क्या करना है? टू पार्टिकल सिस्टम देखने हैं कि कितने बन रहे हैं, और उसके हिसाब से सारी टर्म्स ऐड कर देनी है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब।